हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज मैं आपको क्रोशिये से नया डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो आइए देखते हैं। इस तरीके से हमने एक बेस बनाया हुआ है। अब इस पे मैं आपको एक नया डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूं। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको यहां से लॉक लगा देंगे। यहां पर दो चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद उसके पास वाले होल में क्रोशिये को लेंगे और इस तरीके से तीन ये धागे निकाल लेंगे। इसके बाद हमने पहले सीखा था तीन से दो, दो से एक करना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम तीनों में से एक ही बार में निकालेंगे और फिर ऊपर इस तरीके से लॉक लगाएंगे। इसमें इसका जो फ़र्क है, इसमें है ये साइज़ का फ़र्क। साइज़ देखिए आप, ये वाला बड़ा साइज़ है और ये है छोटा। इस तरीके से हम आगे भी बनाएंगे। इसी में ही हम चार बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक ही में चार छोटे चावल बनाए हैं और फिर इसको यहाँ से लॉक लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर फिर से हम दो चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे दो छोड़ने के बाद एक और बनाएंगे। इसको भी हम छोटे चावल में ही बनाएंगे, तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे बाहर और फिर इसमें यहाँ पर एक लॉक लगा देंगे। हमने इससे पहले सीखा था वो थोड़े बड़ी बड़ी जाली बनी हुई थी, अभी इसमें थोड़ी छोटी जाली आएंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक बनाया है, अब इसका हम यहाँ पर दो पॉइंट छोड़कर तीसरे पॉइंट में इसको लेंगे और फिर यहाँ पे हम चार बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, एक में से चार चार छोटे चावल बनाएंगे। ऐसे ही फिर से इसमें पूरे में एक बार और बना लेंगे। फिर दो चेन यहाँ पर बनाएंगे और फिर एक पॉइंट छोड़कर फिर से इसमें चार बनाएंगे। इस तरीके से आपका एक ये थोड़ा छोटे चावल वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनेगा। अब हमने जो ये जालियाँ बना ली हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चार बनाए थे, अब इसमें से हम बीच में दो छोड़कर इसमें से जाली बनाएंगे। इसमें फिर हम तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद इसमें से दो के बीच में से निकालेंगे और फिर इसको इस तरीके से बंद करेंगे। ये आपका इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ से तीन निकालेंगे और फिर जहाँ पे हमने ये वन बनाया था इसमें इसके ऊपर से एक बार फिर से निकालेंगे और इस तरीके से तीनों में से इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर तीन लेंगे और फिर इनके बीच में से निकालेंगे। इस तरीके से फिर इसमें तीन चेन बनाएंगे और फिर फर्स्ट में से जहाँ पे ये हमने एक डिज़ाइन बनाया था उसमें से फिर से ऐसे ही निकालेंगे। ये हम छोटे चावल से डिज़ाइन बना रहे हैं। इससे पहले हमने बड़े उससे सीखा था, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आएगा आपका। इस तरीके से आपका ये वाला डिज़ाइन बनेगा। अब इसी के ऊपर हम सेम यही डिज़ाइन बना सकते हैं।
जैसे हमने नीचे बनाया था। अब हम इसमें फिर से यहाँ पे दो चेन लेंगे और चेन लेने के बाद फिर इस वाली चेन में से चार का डिज़ाइन बनाएंगे। जो चेन हमने इस तरीके से बनाई है उस वाली चेन में से ही हम चार का डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस तरीके से इसी चेन में से फिर से हम एक पॉइंट लेंगे और फिर सेम इसमें से चार बार धागे को इसको निकालेंगे। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं आपको इनमें सिर्फ छोटे छोटे डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ जिस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तीन चेन लेंगे। आप तीन ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा उसको बनाना चाहते हैं। फिर ऐसे ही सेम चेन के बीच में से थ्रेड को निकालेंगे। फिर इसमें से चार बनाएंगे। आप अपने हिसाब से चार ले सकते हैं, इसमें तीन का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं। आज मैंने आपको क्रोशिए से नया डिजाइन बनाना सिखाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या ऐसे ही कोई नया डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, उसके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।